फुल मून जो 6 अप्रैल को है, जिसको पिंक मून भी कहा जाता है। आज का वीडियो बेस है कि आप क्या करेंगे इस फुल मून को और क्या कुछ प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं और क्या कुछ ध्यान में रखेंगे, साथ ही इस फुल मून का इफेक्ट जो कि 6 अप्रैल को होने जा रहा है ट्विन फ्लेम पर क्या रहेगा, इसी पर बेस्ड है आज का मेरा वीडियो। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रूपाली आप सबका आपके अपने चैनल असेंशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फुल मून जो 6 अप्रैल को है, जिसको पिंक मून भी कहा जाता है, जो जोडियक साइन लिब्रा में होने जा रहा है, और वहीं सन सूर्य जोडियक साइन एरीज में अपना पोजीशन चेंज करेंगे। फुल मून इन लिब्रा आपको गाइड करेगा कि कैसे आप इनर हार्मनी बना सकते हैं। इस बार की फुल मून जो कि लिब्रा तुला राशि में, जोडियक साइन लिब्रा तुला राशि में होगी, वो आपको गाइड करेंगे कि कैसे आप इनर हार्मनी बना सकते हैं। लिब्रा मींस बैलेंस। इट टीचेस अस दैट आवर पाथ इज दैट मच स्वीटर व्हेन शेयर्ड विद अनदर। ट्विन फ्लेम्स के ऊपर क्या इफेक्ट होगा इस फुल मून, इसकी आगे हम बात करेंगे। जो न्यू कमर्स हैं या जो अभी भी ट्विन फ्लेम जर्नी को समझ नहीं पाए हैं, उनके लिए क्लैरिटी लेकर आ रही है ये फुल मून। जैसा कि सभी वीडियो में मैं बताती आ रही हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी सोल जर्नी है, तो अगर आप इसमें माइंड का यूज़ करने लगेंगे तो ये जर्नी आपको काफ़ी पेनफुल बना सकती है। You have to accept twin flame journey is your awakening journey. तो अगर आप अपने पर्सन पर फोकस बनाकर रखते हैं तो आपकी सोल कब अवेकन हो पाएगी, हाँ, और जब तक आप अवेकंड नहीं हो जाते आपके twin flame भी अनअवेकन ही रहेंगे। You are active twin and your DM is passive twin flame. Twin flame journey एक सोल की स्प्लिटेड पार्ट दो डिफरेंट बॉडी में होती है, जिसमें आपको न जाने कितने रोलर कोस्टर फेजेस से होकर गुजरना होता है, जहां आप सीखते हैं कैसे इन हालातों में बैलेंस करना। बिकॉज ब्रेवेस्ट सोल्स ओनली कुड साइन अप ट्विन फ्लेम जर्नी। तो आप में से जो भी मुझे ट्रू ट्विन फ्लेम्स सुन रहे हैं उनके लिए बिग सैल्यूट। आप सभी ब्रेवेस्ट सोल हैं, जहाँ आपको कुछ भी समझ नहीं आता। पहले शुरू में इस ट्विन फ्लेम जर्नी पे आते ही, एंटर करते ही आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, जहाँ सब कुछ इल्यूजन एंड फेक लगने लगता है, और तब जाकर आप इस अर्थ के धीरे 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 जब आप इस जर्नी में आगे बढ़ते जाते हैं, आपकी सोल अवेकनिंग के प्रोसेस में आगे बढ़ती जाती है, आप इस अर्थ के इस दुनिया के मायाजाल से निकलने लगते हैं, तब आप अपने माइंड की गेम प्लान को समझने लगते हैं। अप्रैल 6 का फुल मून लेकर आ रहा है क्लैरिटी, लेकर आ रहा है बैलेंस। किस बात की क्लैरिटी? कि आप अगर ट्रू ट्विन फ्लेम है, आपको मदर गाया को सबसे पहले सर्व करना होगा, तभी आपको रियूनियन दिया जाएगा। अगर आप इस माइंडसेट में आ गए हैं कि सबसे पहले मुझे नेचर को सर्व करना है, अर्थ को सर्व करना है, मदर गाया को सर्व करना है, लोगों को सर्व करना है, तभी आपको रियूनियन दिया जाता है। और बैलेंस किस बात की? बैलेंस आपके माइंड की मैनिपुलेशन से सोल की एवोल्यूशन तक की। आपकी माइंड आपको हमेशा मैनिपुलेट करती रहेगी कि जो इस दुनिया की इल्यूजन्स है, मायाजाल है, वही ट्रुथ है। और जबकि सोल एवोल्यूशन में आप समझ पाते हैं कि इस दुनिया में जो भी है वो एक ड्रामा है, इल्यूजन है, माया है। तो यहां तक का सफर आपको तय करना होता है, आपको तय करना होता है ये दो चीजें, कि जब आप ये माइंड में समझने लगते हैं और अपने माइंड में एक्सेप्ट करने लगते हैं कि आपको रियूनियन चाहिए, मगर आपका सोल पर्पस भी आपको उसी तरह से निभाना पड़ेगा, और साथ ही आपकी सोल की अवेकनिंग। तो ये दो बातें अगर आपके माइंड में आने लगी हैं, आपसे अगर आ रही हैं, तो समझिएगा आपको क्लैरिटी मिल रही है। अगर इस बात की कि हाँ आप ट्विन फ्लेम है, ठीक है, आप अपने पर्सन को भी आपको
अपनी यूनियन भी चाहिए, लेकिन उससे पहले अगर ये माइंडसेट आपका आ गया है कि मदर गाया को, मदर नेचर को हमें सर्व करना है, हमें कुछ सोल पर्पस करने हैं, तब आपको रियूनियन दिया जाता है। और ये सोल अवेकनिंग जर्नी है, इतनी ये बात सबसे पहले आप जान लीजिएगा। और बैलेंस किस बात की करेंगे? बैलेंस माइंड मैनिपुलेशन, जो हमें सारा दिन हमारी माइंड हमें मैनिपुलेट करती रहती है, उससे निकलकर हमें ऊपर जाना है, सोल एवोल्यूशन करना है, हमारी सोल की हमें सुननी है। ये फुल मून में आप ट्विन फ्लेम्स को थोड़ा अलर्ट रहना होगा ड्यू टू इट्स मासिव एनर्जी, जो यू मे फील एग्जॉस्टेड, इसके साथ ही इंडाइजेशन भी हो सकता है। इसलिए फ्रेश फूड्स लाइक वेजीज खाएं, फ्रूट्स खाएं और खूब पानी पिएं। सोल असेंशन सिम्टम्स फुल मून के 3 दिन पहले से शुरू हो जाएगा, ऐसे में जब भी जरूरत हो रेस्ट लें और काफी, और अपनी ग्राउंडिंग जरूर करें। ग्राउंडिंग कैसे करते हैं, मैंने अपने वीडियोस में, प्रीवियस वीडियोस में बहुत बार बताया है, पर चैनल में, आज के चैनल में जो नए मुझे सुन रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा फिर से बताना चाहूँगी। ग्राउंडिंग माने जब आप बेयर फुट जमीन में, फ्लोर में चलते हैं, चाहे वो आपका घर हो या लॉन, इसके साथ आप, इसको कहते हैं ग्राउंडिंग। इसके साथ ही आप कुछ देर के लिए अगर फ्लोर पर सो जाएं, जमीन पर लेट जाएं, इसे भी ऐसे में भी ग्राउंडिंग हो जाएगा। ये फुल मून का इफेक्ट पूरे अप्रैल मंथ रहेगा। आपको फुल मून मेडिटेशन करना है 6 अप्रैल को, मून बाथ लीजिए उस दिन एंड मेक डिस्टेंस फ्रॉम लोअर वाइब्रेशनल पीपल और स्टफ्स। अप्रैल का फुल मून डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन दोनों पर ही इफेक्ट करेगा, दोनों एनर्जीज को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करेगा ये अप्रैल का फुल मून। आपको आगे एक नया रास्ता दिखेगा जहां आपको कुछ पुराना, आपका कुछ पुराना छूट सकता है। तो ये अप्रैल का मंथ आपका जो पुराना छूट सकता है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं वो आपसे छूट जाएंगे। इसका मतलब सिंपल ये था, चाहे वो जॉब हो, कोई पर्सन हो या कुछ रिश्ते, जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं और जो अगर आपके रियूनियन में जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, अगर आपका रियूनियन का टाइम आ गया है तो वो पर्सन या वो जॉब, वो या वो सिचुएशन, जो सिचुएशन आपके रियूनियन में हिंडर या ऑब्स्टिकल का काम कर रही है, वो आपसे अपने आप ही छूट जाएगा। तो ये था, क्योंकि ये चैनलिंग मुझे कल ही देनी थी, लेकिन मुझे लगा कि हाँ इसे आज डिलीवर करना है, इसलिए थोड़ा सा रात हो गया है। मैं भी जॉब से, उसके बाद सेशंस थे, उसमें से आके मैं आपके लिए, क्योंकि डिवाइन गाइडेंस था कि आज ही मुझे डिलीवर करना है, इसलिए मैंने डिलीवर कर दिया। तो ये इस बात का ध्यान रखेंगे 6 अप्रैल को खास ध्यान रखेंगे। और लेकिन ये पिंक फुल मून, जो इसे पिंक फुल मून भी कहा जाता है, इसका इफेक्ट पूरे अप्रैल मंथ में रहेगा। अगर आपको ट्विन फ्लेम रिलेटेड या एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड कुछ गाइडेंस या सेशन, पर्सनल सेशन लेना है, आप मेरे दिए गए नंबर, जो कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन व्हाट्सएप मैसेज आप मुझे सेंड करिएगा, डायरेक्ट फोन प्लीज मत करिएगा। साथ ही करियर रिलेटेड कोई गाइडेंस लेना है, या लव रिलेटेड, या फिर आप किसी पर्सनल रिलेशन में स्टक हैं, या ट्विन फ्लेम जर्नी में क्यों आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्यों रियूनियन अचीव नहीं कर पा रहे हैं, या क्या आप अभी जिस पर्सन से डील कर रहे हैं क्या वो आपके ट्विन ही है, अगर ये आपको पता करना है, गाइडेंस लेना है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप में मैसेज से। इसके साथ ही ढेरों ब्लेसिंग्स आप सबके लिए। आज यहीं पे मुझे इजाजत दीजिए। ओम नमः शिवाय।